बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन आइकन। दोस्तों, पीसीबी ने इमाम उल हक के स्कैंडल से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। पीसीबी का इस हवाले से क्या कहना है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा दूसरा व्लॉग चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इमाम उल हक के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी मुहिम से नाखुश है और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए प्लेयर्स एजुकेशन प्रोग्राम पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से खिलाड़ियों को मुकम्मल तलीम दी जाएगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करना है और खुद को ऐसे वाकयात से कैसे दूर रखा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी एक ऐसी शिक शामिल करना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सके। ज़राए के मुताबिक इमाम उल हक के सामने आने वाले इस सारे स्कैंडल के बाद पीसीबी ने अपनी इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें ये वाजिया किया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों के कमरों में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी और ना ही इस किस्म का कोई वाकया पेश आया। बोर्ड हुकाम ने क्रिकेटर्स को बदनाम करने और ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी गौर शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी